साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में अब तक जिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है वो डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी मगर अब तक ये खुलासा नहीं हुआ था कि रिपोर्ट में आखिर है क्या, पुलिस रिपोर्ट को क्यों छिपा रही है। मगर अब डीएनए रिपोर्ट को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है और ये खुलासा इतना बड़ा है कि अब तो शक यकीन में बदल गया है कि आकांक्षा खुद नहीं मरी बल्कि उसे साजिश के तहत मारा गया, वो भी दो लोगों ने एक साथ दरिंदगी करने के बाद। जी हाँ, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा के कपड़ों से मिले निशान एक नहीं बल्कि दो लोगों के हैं और वो समर सिंह और संदीप सिंह हैं। बताया जा रहा है कि जिसके बाद पुलिस ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए तारीख भी तय कर दी है। तो क्या है डीएनए रिपोर्ट में हुआ पूरा खुलासा, समर सिंह और संदीप सिंह का किस दिन होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 26 मार्च के बाद से अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और गायक समर सिंह को लेकर इतने सारे खुलासे हो चुके हैं कि लोगों का इंडस्ट्री से ही मोह भंग हो गया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे को मारने से पहले बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी, दरिंदगी की गई थी। अब तक तो लग रहा था कि ये दरिंदगी किसी एक ने की मगर सूत्रों की माने तो डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक दो लोगों द्वारा दरिंदगी करने के सबूत मिले हैं। दरअसल पिछले दिनों आकांक्षा दुबे के कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे क्योंकि आकांक्षा के अंडरगारमेंट से संदिग्ध निशान मिले थे, सीमेन मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में चार लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया। समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह के साथ ही अरुण पांडे का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। चारों के सैंपल लेकर लैब में भेजे गए और करीब 13 दिन बाद इस सैंपल की रिपोर्ट आई। जी हां, डीएनए टेस्ट की जिस रिपोर्ट को अब तक छिपाया जा रहा था, दबाया जा रहा था, अब उसका खुलासा हो गया है। तो पुलिस ने अभी तक इस डीएनए रिपोर्ट पर ज्यादा कुछ नहीं कहा मगर वाराणसी की मीडिया ने डीएनए रिपोर्ट का सच खोज निकाला है और सच वाकई में बेहद हैरानी भरा है। वाराणसी से आ रही खबरों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट में दो लोगों का मैच हुआ है। आकांक्षा के कपड़ों से मिले सीमेन से दो लोगों का डीएनए मैच हुआ है और वाराणसी मीडिया का कहना है कि वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि समर सिंह और संदीप सिंह है। दरअसल वाराणसी के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने इस बात का दावा किया है कि उसके पास डीएनए रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी है और वो कॉपी उसी लैब से मिली है जिस लैब में पुलिस ने चारों आरोपियों का डीएनए सैंपल जमा कराया था। न्यूज़पेपर का दावा है कि डीएनए रिपोर्ट की कॉपी में साफ साफ लिखा है कि दो लोगों से डीएनए मैच हुआ है। आकांक्षा के कपड़ों में मिला सीमेन एक शख्स का नहीं बल्कि दो लोगों का है, यानी कि 25 मार्च की रात आकांक्षा के साथ जो दरिंदगी की गई थी वो किसी एक ने नहीं बल्कि दो लोगों ने मिलकर की थी। न्यूज़पेपर का दावा है कि जिन दो लोगों से डीएनए मैच हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि समर सिंह और संदीप सिंह हैं। यहाँ आपको बता दें, संदीप सिंह तो वही शख्स है जो आकांक्षा को 25 मार्च की आधी रात को होटल छोड़ने आया था, जिसका सीसीटीवी सबने देखा। ब्लैक कलर की एसयूवी में संदीप सिंह आकांक्षा के साथ होटल के अंदर आया था और वो आकांक्षा के पीछे पीछे कमरे में भी गया था। संदीप सिंह के होटल में आने का वीडियो, कमरे के अंदर जाने का वीडियो सबने देखा मगर हैरानी की बात ये है कि संदीप सिंह के जाने का वीडियो किसी के पास नहीं है। क्या होटल के सीसीटीवी ने तब काम करना बंद कर दिया था या जानबूझकर वो सीसीटीवी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि पहले कहा गया था कि संदीप सिर्फ 17 मिनट तक आकांक्षा के कमरे में रुका था मगर इस बात पर शुरू से ही शक की सुई रही है और अब डीएनए रिपोर्ट ने काफी कुछ बयां कर दिया है। वहीं दूसरा समर सिंह, जो कि आकांक्षा को शादी के नाम पर टॉर्चर करता रहा, न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी आकांक्षा को समर सिंह ने खूब परेशान किया था। आकांक्षा की मेहनत की कमाई तक डकार गया और कई बार आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी समर सिंह ने दी थी, जिसके सबूत आकांक्षा की माँ ने मीडिया के सामने कई बार दिए हैं। आकांक्षा समर सिंह से प्यार करती थी मगर समर ने हमेशा उसे धोखा दिया, दर्द दिया, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया। तभी तो आकांक्षा ने खुद एक सेल्फी वीडियो में कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। और अब डीएनए रिपोर्ट में भी समर सिंह और संदीप सिंह का ही जिक्र आ रहा है, यानी कि आकांक्षा केस के मुख्य आरोपी ये दोनों ही शख्स है। ये दावा वाराणसी के न्यूज़पेपर ने किया है। अब वही पुलिस डीएनए रिपोर्ट के बाद से ही काफी अलर्ट स्थिति में
जा चुकी है और अब इन दोनों का ही पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी गई है, उस एप्लीकेशन के साथ इसी डीएनए रिपोर्ट को भी सबमिट किया गया है ताकि कोर्ट समझ सके कि इस केस में अब पॉलीग्राफी टेस्ट कितना ज्यादा जरूरी है। तो सूत्रों की माने तो जून महीने की 22 तारीख को समर सिंह और संदीप सिंह का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सकता है अगर कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है, न्यूज़पेपर का डीएनए रिपोर्ट को लेकर किया गया दावा कितना सही है? क्या वाकई में इस केस के मुख्य आरोपी समर सिंह और संदीप सिंह है और इस केस में पॉलीग्राफी टेस्ट कितना ज्यादा जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वाराणसी से एक और बड़ी खबर है, हैरानी भरी खबर है। जो डीएनए टेस्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट आ गया है, नतीजा आ गया है और उस रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है क्योंकि मामला बेहद संगीन हो गया है। आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की जांच चल रही है और इसी को लेकर फोरेंसिक टीम की भी लगातार मदद ली जा रही है। फोरेंसिक टीम ने ही अपनी पहली जांच रिपोर्ट में आकांक्षा के कपड़ों को लेकर वो सब कुछ बताया था जिसमे संदिग्ध चीजें मिली थी, जिसके बाद चार आरोपियों का डीएनए टेस्ट किया गया और इसके लिए चारों आरोपियों के सैंपल लिए गए। समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह और अरुण पांडे, इन चार लोगों के सैंपल लिए गए और हाल ही में उसी डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट को लेकर पुलिस पर भी ये आरोप लगे कि पुलिस उस रिपोर्ट को छिपा रही है। आकांक्षा दुबे की मां और वकील ने भी आरोप लगाया कि पुलिस डीएनए रिपोर्ट को छिपा रही है, मगर अब जो खबर आ रही है वो और भी ज्यादा हैरानी भरी है। और खबर ये है कि पुलिस चार में से दो आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने जा रही है और कोर्ट से उसकी परमिशन लेने के लिए याचिका तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक डीएनए की प्राइमरी रिपोर्ट ने समर सिंह और संदीप सिंह पर शक बढ़ा दिया है। संदीप सिंह वही है जो कि उस रात आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था और होटल के कमरे में काफी देर तक रुका भी था, तो डीएनए रिपोर्ट में उसी संदीप सिंह पर शक बढ़ गया है। और समर सिंह वही है जिसका नाम खुद आकांक्षा अपने मुँह से लेकर गई है। समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना अभिनेता और गायक है। सूत्रों की माने तो डीएनए रिपोर्ट में दोनों पर शक बढ़ गया है, इसीलिए पुलिस अब दोनों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने जा रही है। तो आकांक्षा दुबे केस में पूरा सच उगलवाने के लिए, पूरा सच बाहर निकलवाने के लिए ये पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी चल रही है। डीएनए प्रोफाइलिंग की पूरी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और उसी के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट का फैसला लिया गया है। इसके लिए बहुत जल्द पुलिस कोर्ट में याचिका लगाने जा रही है। तो कुल मिलाकर आकांक्षा केस में बड़ी और सबसे बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें काफी कुछ संदिग्ध मिला है, जिसके बाद अब समर सिंह और संदीप सिंह का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।